आज मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन का सब्जी। इसके लिए मैं एक मीडियम साइज का बैंगन ली हूँ। इसको मैं अपना हिसाब से कट करके इसको फ्राई कर ली हूँ। ये है इमली का जूस, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा पंचफोरन, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ये सूखा वाला नारियल, ये धनिया सीड्स, इसको मैं भून ली हूँ, मूँगफली का दाने, ये सूखा मिर्च 3 पीस, इसको भी मैं भून ली हूँ, छोटा टुकड़ा अदरक, कुछ लहसुन का कली, प्याज चॉप किया हुआ प्याज, गरम मसाला का पाउडर, कुछ करी पत्ता, कुछ धनिया पत्ता, सरसों का तेल। इसके लिए मैं पहले सब मसाला सबको ग्राइंड कर लेती हूँ। इसमें मैं सब मसाला सबको डाल रही हूँ, लहसुन अदरक मिर्च, मेरे को तीखा चाहिए इसलिए मैं 3 मिर्च डाल रही हूँ, मूँगफली के दाने, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, थोड़ा पानी डाल के ग्राइंड कर देती हूँ। सब मसाले सबको मैं हाइन पेस्ट बना ली हूँ। अब मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन का सब्जी। गैस ऑन कर लेती हूँ, कढ़ाई बिठा रही हूँ, सरसों का तेल डाल रही हूँ, तेल गरम हो चुका है, इसमें मैं पंचफोरन डाल रही हूँ, थोड़ा सा पंचफोरन डाल रही हूँ, थोड़ा गला देते हैं, चॉप किया हुआ प्याज डाल रही हूँ, करी पत्ता डाल रही हूँ। हल्का ब्राउन हो जाने के बाद मैं मसाला सब डालूँगी। प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है, अब मैं मसाला डालूँगी। अब नमक डाल दूँ, हल्का ब्राउन होने तक मसाला को थोड़ा भून लेते हैं। देखिए अब मसाला से धीरे धीरे ऑयल सूख रहा है, साइड से तेल सूखने लगा है, इससे पता चलता है कि मसाला किस तरह से भुना चुका है। इमली का जूस डाल रहे हैं, इमली का जूस डालने के बाद थोड़ा भून देते हैं। आपको कलर चाहिए तो आप इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर थोड़ा सा डाल सकते हैं। अब मैं मसाला जिस जार में पीसी थी उसी जार में पानी डाल के रखी हूँ, वही पानी मैं कढ़ाई में हीट कर रही हूँ, डाल रही हूँ। अब थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ, अब बोलना नहीं देते हैं, इसके लिए मैं ढक्कन लगा रही हूँ। अब मैं ढक्कन हटा कर चेक कर रही हूँ, अब मसाले में बॉयल आ चुका है, अब मैं बैंगन फ्राई किया हुआ बैंगन डाल रहा हूँ, फिर से ढक्कन लगा देती हूँ। पाँच मिनट के बाद में चेक करती हूँ, आप देखते हैं और 2 मिनट के लिए ढक देते हैं, फिर से ढक देते हैं। 2 मिनट के बाद फिर से मैं ढक्कन हटा कर देख लेती हूँ। बन गया है बैंगन का सब्जी।